चलो। नमस्कार, मैं हूँ शिवम और आज हम आए हैं ये बादाम शेक वाले भैया के पास। भैया क्या नाम है आपका? देवीलाल। देवीलाल जी, ये बताइए ये बादाम शेक की बिक्री कैसी हो रही है इस टाइम पे? ठीक ही हो रही है अभी लगभग। ठीक ही हो रही है। कैसा सीजन है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ। कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में? 1,000-1,500 रुपये बस। क्या झूठ बोल रहे हो यार? झूठ अभी तो 1,000-1,500 झूठ बोल रहे हो तुम्हें तो ज्यादा थोड़ी होती है। सच बताओ भाई, 1,000-1,500 ज्यादा। अब हमारे जो व्यूअर्स हैं, मान लो वो भी बिजनेस करने वाले हो तो फिर क्या करेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपये डेली के बच जाते हैं इससे। टोटली बचते हैं? टोटली कमाई कितनी होती है दिन भर में? बिकता कितने का है? बिकता वो 7-8 हज़ार का। 7-8 हज़ार, उसमें बेनिफिट कितना मिलता है? 1,000-1,500-2,000। अच्छा, ये बताइए बनता क्या, क्या क्या बनाते हो तुम? काजू शेक, बादाम शेक, फालूदा, कुल्फी, आइसक्रीम। अच्छा, तो ये कैसे यहीं बनाते हो या कहीं फैक्ट्री वगैरह लगा इसकी? घर पे बनाते हैं। घर पे किससे बनाते हो, हाथ से या मशीन वगैरह है कुछ? कुल्फी मशीन से बनाते हैं, बादाम शेक फालूदा हाथ से बनाते हैं। क्या दो सामग्री डालते हो? बादाम शेक में और फालूदा में रबड़ी और दूध और बादाम वादाम डाल के मिला के उबाल के। अच्छा, और क्या बताया तुमने, आइसक्रीम वगैरह बनाते हो क्या? हाँ, कुल्फी है। अच्छा, तो ये स्टोरेज कैसे करते हो? मान लो जो बच जाता है तो फिर उसका क्या करते हो? वो 1-2 दिन में उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो 2 दिन में निकल जाता है। अच्छा, मतलब बासी भी खिलाते हो लोगों को है? 2 दिन में तो खराब होता है नहीं है दूध का है तो। अच्छा अच्छा, 2 दिन तक चलता है, एक दिन बना लेते हो तो? सुबह बनाते हो गे? कभी धंधा कम होता है तो बच जाता है, बाकी तो डेली का डेली निकल जाता है। कितनी क्वान्टिटी में बनाते हो लगभग शेक वगैरह? बादाम शेक, काजू शेक, फालूदा और कितनी क्वान्टिटी, कितनी मात्रा में बनाते हो? और रबड़ी उबड़ी सब मिला के बनाते हैं। बादाम शेक में एक तो रबड़ी डालते हैं, रबड़ी डालते हो? हाँ, और दूध। रबड़ी बाजार से खरीदते हो? नहीं, घर पे बनाते हैं दूध। अच्छा, और क्या डालते हो? और दूध दूध मिला के और बादाम बादाम। कितना डालते हो बादाम शेक में? कितने किलो का बादाम, कितने किलो दूध का बादाम शेक बनाते हो? और 20 लीटर का। 20 लीटर का, तो 20 लीटर बादाम से दूध का बादाम से कितना निकलता है फिर उसका? उसको मतलब गैस वगैरह में जलाते हो दूध को? हाँ, गैस में जलाते हैं ना, 15 लीटर रह जाता है, 5 लीटर टूट जाता है उसमें। अच्छा। और रबड़ी डालते हैं ऊपर से। अच्छा अच्छा, 15 लीटर में 5 लीटर होता है। हाँ। दूध फिर रबड़ी कितनी डालते हो 5 लीटर दूध में? वो 5 लीटर में 7 लीटर रबड़ी डालते हैं। अच्छा, बादाम कितना डालते हो उसमें? बादाम डालते हैं 1 किलो 20 लीटर में। टोटल खर्चा मिला के कितना हो जाता है दिन का तुम्हारा? टोटल खर्चा निकाल के 7-8 हज़ार का धंधा हुआ तो 2-1 हज़ार रुपये बच जाते हैं। 2 हज़ार की ज़्यादा होता है तो झूठ बोल। 2 हज़ार बच जाते हैं। 2 हज़ार बच जाते हैं आराम से, क्योंकि पहले जैसा अभी मार्केट नहीं रहा इसलिए। अच्छा, तो अभी तो गर्मी आ गई भाई, अब तो बढ़िया सीजन है इसका। अब तो चल रहा है अभी। तुम ही बसो इस एरिया में हमको लगता है? नहीं नहीं, पीछे एक है। पीछे एक है। हाँ। तो ज्यादा किसका चलता है, तुम्हारा या उसका? दोनों के बराबर ही चलता है, कभी वो आगे चलता है तो कभी हम पीछे चलते हैं। अच्छा, तो कस्टमर ज्यादा टाइम रात में ही आते होंगे? हाँ, रात में, 7 बजे के बाद में, 11 बजे तक। कितने बजे ठेला लग जाता है तुम्हारा? यहाँ दिन में 12-1 बजे लग जाता है। दिन में 12 बजे? हाँ, 12 बजे लगा लेते हो? 12-1, 12-1, 12 बजे शुरू हो जाता है। हाँ, अभी तक कितने की बिक्री हो चुकी है? अभी 1,500-2,000 की हो चुकी है। हो चुकी है, फिर रात में पूरा कवर रात में होता है। हाँ, 80%। हाँ, अभी 20% की बिक्री हो गई। हाँ, 20% हो गई। तो अकेले रहते हो कि और फिर रात में बरकर आ जाते हैं? नहीं नहीं, मैं अकेले ही रहता हूँ। अच्छा, रात में भी अकेले रहते हो? रात में भी अकेले। कितने बजे तक खुली रहती है रात में? 11 बजे तक। 11 बजे तक। हाँ, मतलब पैसा छाप रहे हो तुम्हें? क्या करें, गाँव छोड़ गए तो पैसे तो कमाने ही पड़े। पढ़े हो? हाँ, किए हो? कितना पढ़े? 8वीं तक। 8वीं तक, 8वीं पास हो लेकिन डेली 2,000 कमा रहे हो है? 60,000 रुपये महीने। क्या करें, ठंडी में भी तू चलता ही है तुम्हारा? हाँ, ठंडी में चलता है। ठंडी में कैसा बिजनेस रहता है इसका? ठंडी में तो सब खर्चा वर्चा निकाल के बस वो ही बचता है, क्योंकि ज़्यादा ठंडी में कुछ रहता नहीं। ठंडी में कुछ बच, ठंडी में कमाई नहीं होती? ठंडी में इतनी कमाई? 1,000-1,500 तो हो ही जाती होगी। नहीं, ठंडी में इतनी नहीं होती क्योंकि रूम बड़ा लड़के की। अच्छा, कहाँ के हो तुम? राजस्थान, भिलवाड़ा। तो राजस्थान से आए हो यहाँ पे बिजनेस करने? हाँ। अच्छा, तुम्हें यही आइडिया क्यों आया कि राजस्थान से पहले से ही तय करके आया था कि वहाँ जाऊँगा जबलपुर में तो बढ़िया सदर मार्केट में ठेला लगाऊंगा अपना शेक का? नहीं नहीं, पहले बड़े भैया के पापा पापा करते थे, फिर मैं भी इस लाइन में घुस गया। अच्छा, तो करते करते तुम्हें अनुभव मिल गया है? तो बनाते तुम ही हो इसको? हाँ, तुम्हें बनाते हो अपने हाथों से? हाँ, अपने हाथों से बनाते। अच्छा, तो ये बिजनेस किसका है, मतलब तुम इसके ऑनर हो या कोई ऑनर? कोई लगा है मेरे, तुम्हारे सगे बड़े भैया? नहीं, बड़े पापा का लड़का है ना उसका। अच्छा, तो वो तुम्हें सैलरी बेस से रखे हैं? हाँ, सैलरी। अच्छा, कितनी सैलरी देते हैं तुमको? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये महीने का? हाँ, महीने। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? देवीलाल। देवीदास, महीने के तुम 60,000 रुपये कमाते हैं देवीदास जी। और अभी हम इनके यहाँ बादाम शेक, हमें ये इन्होंने बादाम शेक बना के दिया है ना, अब इसका हम टेस्ट करेंगे, बढ़िया ठंडा है, खाएंगे। हमसे पैसे तो लोगे ही तुम? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, देंगे इसका पैसा। ठीक है, चलो।